नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आज बात करते हैं नीमच जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले डोडर ग्राम पंचायत के हामाखेड़ी ग्राम की, जहां मासूम नौनिहालों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। कब कहां हादसा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जी हां, कुकड़ेश्वर से 5 किलोमीटर दूर डोडर ग्राम पंचायत के हामाखेड़ी गांव की यह तस्वीरें हैं, जहां ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने 8 लाख की लागत से नवीन आंगनवाड़ी भवन तो बना दिया, लेकिन इसको शुरू करने का जिम्मा लेना शायद भूल गए, जिसके चलते आज भी गांव के मासूम नौनिहाल दहशत के बीच आंगनवाड़ी भवन पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवार तो अपने बच्चों को इस डर से आंगनवाड़ी भेजना नहीं चाहते, क्योंकि आंगनवाड़ी भवन के सामने ही एक कुआं है। इस कुएं में कभी भी हादसों का डर बना रहता है। सर, करीबन 8 साल हो गए आंगनवाड़ी को लगते हुए और स्वराज भवन में संचालित हो रही है, और मेरे यहाँ पे रोज रेगुलर के 16-17 बच्चे आ जाते हैं, लेकिन पास में कुआं है ना, तो इस वजह से दिक्कत है। पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो 12-13 बच्चे रेगुलर बैठते हैं, उसमें मेरी रिस्क है थोड़ी ज़्यादा। सर, डर तो हमेशा ही बना रहता है, हम दोनों बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद बच्चों को निकालते हैं। सर, भेजते तो हैं, लेकिन वो हम लोगों को जवाबदारी के साथ सौंपते हैं कि आपकी जवाबदारी अगर आप बच्चों को यहाँ बिठा रहे हो तो, उसमें मेरी रिस्क है। सर, नया भवन बन गया है पिछले 1.5 साल से, लेकिन अभी तक उसमें काम चालू नहीं हुआ और अच्छे से नहीं बन पाया, तो अधिकारियों ने मना कर रखा है बैठने के लिए। सर, उसमें ना अभी पेंटिंग बाकी है, प्लास्टर बाकी है, और बाहर का जो काम है बाउंड्री वाल का, वो सारा बाकी है। तो क्या इससे ज्यादा रिस्क वहाँ पे है या रिस्क यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे ज्यादा रिस्क है। यहाँ इसके सामने मौत का खाली कुआ है, जिसकी वजह से लोग बाग गाँव के बच्चे को यहाँ नहीं भेजते आंगनवाड़ी में, और भेजते हैं तो शासन की और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैडम है उसकी जिम्मेदारी पे भेजते हैं, और बाकी आधे तो भेजते ही नहीं है। और जो नया भवन बना हुआ है तो वो 2 साल हो गया है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसमें आधा काम हो चुका है और आधा बाकी है। मंत्री सरपंच की मिली भगत से 3 लाख का बनवाया, और हमारे बाल बच्चे को वो कुएं में मौत के मुंह पे भेज रहे, आधे बच्चे हम घर पे रखते नहीं भेजते। मैडम जवाबदारी लेती आंगनवाड़ी वाली तो हम भेजते, नहीं तो और अभी तक ये पड़त पड़ी है। क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत खराब स्थिति है। मंत्री सरपंच की मिलीभगत से हमारे गांव में काम कार्य नहीं हुआ है अभी से। पैसा पूरा निकाल लिया लोगों ने? पैसे पूरे निकाल लिए बिल लगवा के, और हम बोल रहे तो हमें बोल रहे कि तुम तो अंगूठा छाप कुछ नहीं जानते हो। हालांकि पूरा मामला जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के संज्ञान में पहुंचा है, जिसके बाद कलेक्टर ने जल्द से जल्द नवीन भवन को शुरू कराने की बात कही। ये विषय आपने हमारे संज्ञान में लाया है, और ये आंगनवाड़ी केंद्र अगर नवीन वहाँ स्वीकृत हो चुका है और वर्तमान में निर्मित भी है, उसमें क्यों बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, क्यों वर्तमान में मैं वहाँ कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और बच्चों को जो नवीन आंगनवाड़ी भवन में जल्दी ही वहाँ उनकी सभी गतिविधियाँ स्टार्ट हो, इसके लिए हम प्रयास करें।